واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی حاضرین مجلس احباب گرامی سامعین و سامعات دنیا کو رب نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں یہاں آدم کی اولاد میں قابیل بھی ہے اور حابیل بھی ہے یہ ریپیٹر ختم کر دیں سادی بس ایکو کے بغیر آواز ٹھیک دوستی اور دشمنی کا معیار ہر دور میں ہر قوم میں اپنا اپنا رہا ہے کائنات کے امام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دین میں شریعت میں وہی جو آسمان سے اتاری گئی اس میں دوستی اور دشمنی کا معیار کیا رکھا گیا وہ خالصتاً اللہ کی ذات ہے محبوب کائنات فرماتے ہیں الحب للہ والبغض فی اللہ کہ کسی سے محبت کی جائے گی تو خالصتاً اللہ ہی کے لیے دشمنی کی جائے گی تو معیار اپنی ذات نہیں ہوگی دنیا کا کوئی اور سبب نہیں ہوگا والبغض فی اللہ نفرت کی جائے گی یا بغض رکھا جائے گا تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کیا مطلب کہ جو رب کا ہے وہ ہم سب کا ہے جو رب کا نہیں بن سکا وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا اس معیار کو الولا والبرا کے نام سے شریعت اسلامیہ میں ایک عنوان اور ٹائٹل دے کے بطور عقیدہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری کسی سے دوستی ہے تو دنیاوی مفاد کے لیے نہیں خالصتاً اللہ کے لیے دین کی وجہ سے کلمے کی وجہ سے توحید کی وجہ سے والبغض فی اللہ ہم اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں دور ہوتے ہیں بغض کا اظہار کرتے ہیں یا اظہار برات کرتے ہیں تو اس کا معیار بھی صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے یہی وجہ ہے کہ خون کے رشتے
बिरादरियां और कबीले, वही अरब जो अपनी बिरादरी पर कबीले पर मर मिटते थे, आज बदर में देखा गया एक मुशरिक को काफिर को कैदी बनाया जा रहा है और उल्टा लिटा के उसकी बाहों को बांधने वाला है। वो एक कलमा पढ़ने वाला है, मेरे महबूब का सिहाबी है। इतने में आवाज आती है कि इसके बाजू जरा मुश्कें जोर से बांधना, कैदी बनाना तो जरा अच्छे तरीके से बनाना। इसकी अम्मा बड़ी अमीर है, कानों में आवाज पड़ी, आवाज अपनी थी, जानी पहचानी थी, अपने घराने की थी। थोड़ा सा सर ऊपर उठाया तो सका भाई कह रहा था कि मुश्कें जरा मजबूती से बांधना, इसकी अम्मा बड़ी अमीर है। तो तड़प उठा जिसको बांधा जा रहा था कि भाई मुश्किल मौका है, तू मेरा बाप जाया मां जाया, तू मेरा भाई सका भाई है, तेरे मेरे साथ रिश्ता खून का है, तुझे मेरी हिमायत करनी चाहिए थी, सिफारिश करनी चाहिए थी, और तू मेरे खिलाफ ही बोल रहा है। तो जवाब आया था कि मोहब्बत और दुश्मनी का मेयार, कुर्बत और दूरियों का मेयार वो खून नहीं है, वो बिरादरी या कबीला नहीं है, वो इस्लाम ने जो सिखाया है, जो दीन ने पढ़ाया है, जो वही ने बताया है, वो अल्लाह की जात है। जो बांधने वाला है वो रब पे ईमान रखता है और तू उस ईमान से खाली है। हजरात बुनियाद में ये बात करने का मकसद है कि बसा औकात हम एक मजलिस में बैठते हैं, एक गली एक मोहल्ले एक बाजार में होते हैं, एक फैक्ट्री एक दुकान में काम करते हैं, हम किसी खेत में इकट्ठे होते हैं, किसी मंडी में मजदूरी में बिल्कुल आसपास रहते हैं, बात खाने पीने तलक चली जाती है, मिल बैठना एक मजलिस, हम मजलिस होते हैं, हम नवाला हम प्याला हम माकल हम मशरब होते हैं, लेकिन मुआमला आके जहां अटकता है वो अल्लाह की जात होती है। अगर एक बंदा मुवाहिद है, अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, तौहीद का अलम बरदार है, और दूसरी तरफ वो इस तौहीद से खाली है, तो मेरे महबूब की आल का अकीदा और असहाब का अकीदा, आल का अकीदा और असहाब का अकीदा, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा ये था कि इंसान होने के नाते उसे दावत तो दी जाएगी, बुलाया तो जाएगा, पुकारा भी जाएगा, मुनादी भी की जाएगी और उसके कानों तलक आवाज पहुंचाई जाएगी। आदम का बेटा होने के नाते, इंसान होने के नाते उसे दीने हक की तरफ बुलाने के लिए मरते दम तक कहा जाएगा, या गुलाम कुल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तू जो भी है, यहूदी है, मजूसी है, कोई नसरानी है, ईसाई बुद्ध मत है, कोई हिंदू मत का जो है वो पालने संभालने वाला है, गैर मुस्लिम है, किसी इज्म से ताल्लुक रखता है, आदम का बेटा होने के नाते मोहब्बत करेंगे कि आदमी है इंसान है, जहन्नम में न जाए, अल्लाह से दूर न जाए, सिराते मुस्तकीम से भटके नहीं, हक रस्ते पे आ जाए, खैर को अपना ले, ये दोस्ती का मेयार है। लेकिन जब तक इसने हक को कबूल नहीं किया, जो रब का नहीं हो सका वो हमारा भी नहीं हो सकता, लिहाजा उससे एक फासला रखना, उसे एहसास दिलाना, उससे दूरी रखना, लेकिन करीब करने के लिए दावत के महाज पे भी उसे रखना। मिसाल लेनी हो तो जनाब सुमामा बिन असाल अल हनफी, ये अपने इलाके का चौधरी है, नवाब भी है, सरदार भी है, वडेरा है, गर्दन भी बड़ी लंबी है, अकड़ भी बड़ी है, ताकत कुवत पैसा, अपनी फौज सिपा नौजवानों के ऊपर बड़ा मान तरान है,
मेरे महबूब के असहाब ने उसे लाकर के कहां बांधा था? मस्जिद में। चाहते तो कहीं दूर रखते, किसी मकान को जेल बना दिया जाता, लेकिन मस्जिद में क्यों रखा गया? कि तेरे से दुश्मनी नहीं, आ जरा देख ईमान की दौलत क्या है। जिनसे दुनिया दिन को थरथराती है वो रात को खुद रब के सामने मुसल्ले पे कैसे कांपते हैं। मस्जिद में बांध के, पिलरों के साथ बांध के मेरे महबूब ने खिदमत भी की, एक फासला रखा, लेकिन दावत क्या है, हालत क्या है, अंदर और बाहर क्या है? कई फहालू कया सुमामा, सुमामा बोल तेरी हालत क्या है। और जब वो बोलता है तो बिगड़ा हुआ बोलता है। अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह ने सिलसिला जो उसके बोल जिक्र किए, इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने जो उनका तस्करा किया, किस तरह दनदनाता हुआ बड़े रोबो दबदबे से बोलता है कि इन तख्तुल तख्तुल दादमिन, इन तख्तुल तख्तुल दादमिन व इन तुनइम तुनइम अला शाकिरिन। मेरे पे हाथ सोच के उठाना, मारोगे तो मार दिए जाओगे, काटोगे तो काट दिए जाओगे, चीरोगे तो चीर दिए जाओगे, गर्दन उड़ाओगे तो गर्दन उड़ाई जाएगी। मैं कोई मामूली सा नहीं हूं, मैं कोई लल्लियों का बाल नहीं हूं, मैं कोई लवारिस नहीं हूं। इन तख्तुल धमकी थी, तख्तुल ज़ादमिन, मेरे खून का बदला खून से लिया जाएगा। वह इन तुनइम तुनइम अला शाकिर, अगर छोड़ा जाएगा तो मैं उसका भी बदला दूंगा। दोनों चीजें हैं, धमकी भी है और साथ में थोड़ा सा डर और लालच भी है कि छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। मेरे महबूब ने खिदमतें की, ये तो काफिर था, ये तो बिगड़ा हुआ था, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम ने जो उसकी दावतें रखी, जो खिदमतें की, जो घर से खाना दिया, ये हमें अलवला वल बरा का सबक बहुत गहराई से पढ़ाता है कि दुश्मन से दुश्मनी भी मेयारी होगी, दोस्त से दोस्ती भी मेयारी होगी। इस्लाम खुशी भी मेयारी देता है, गम भी मेयारी देता है, मर्जियों की नहीं। खैर, खाना खिलाया गया, नाश्ते करवाए गए, सात बकरियों का दूध पीने के बाद पेट जब कुछ बना तो महबूब ने फिर जब उसका हाल पूछा, कोई सोच बदली, ख्याल बदला। घबराइए के मत, अगर आपकी दावतों से, कॉन्फ्रेंसों से, दुरूस से, मुआजरात से, दिन रात की मेहनतों से, कुर्बानियों से, कहने पे, दावत देने पे, अहादीस सुनाने पे, आयात पेश करने पे, दलाइल देने पे, दलील दे दे के अपील करने पे भी अगर कोई आपकी तरफ नहीं आया तो परेशान ना हो। आपका काम जो था वो आपने कर दिया है, माली दा कम पानी देना ते पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लाउणा, लावे या ना लावे। बुलाया है, बोल क्या हाल है। मेरे महबूब के चेहरे की तरफ नहीं देख रहा, बड़े गुस्से में है और जुमले बोलता है, कहता है कि मैंने दुनिया में बड़े सारे चेहरे देखे हैं, लेकिन दुनिया में महाज अल्लाह सबसे बुरा चेहरा इस वक्त आपका नजर आ रहा है, ये मेरी हालत है। हाल पूछते, अगर एक इशारा करते मेरे महबूब तो शायद गर्दन न रहती। आज के किसी पीर फकीर की कैफियत इस जुमले पे क्या होनी थी ये पूछना है तो किसी हमसाये से पूछ, पीरी फकीरी या किसी गद्दी या किसी सरकार दरबार मिसार से पता कर। मगर ये सरकार कितने हौसले से सुनती रही और वो कह रहा है कि दुनिया में मैंने बड़े बड़े चेहरे देखे हैं, तेरे चेहरे से बुरा चेहरा कोई नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह। और फिर कहता है, सुनिए, मैंने जितने भी आज तक शहर देखे हैं, तेरे शहर से बुरा शहर कोई नहीं। मेरी हालत ये हो रही है कि दुनिया में जितने दीन सुने हैं, तेरे दीन से बढ़ के बुरा दीन मेरी नजरों में नहीं है। वो दुश्मनी दिखा रहा है और मेरे महबूब अपना मेयार पेश कर रहे हैं कि दीन क्या है, दावत क्या है और उसका तरीक़ाकार क्या है।
پھر کہا خدمت کیجئے، حالانکہ ایسا کہنے کے بعد دل تو نہیں کرتا کہ بندہ روٹی رکھے، جو پڑی ہوئی ہے وہ بھی اٹھا لے، بلکہ ساڈے ہل تو ادا کر دینے ماشاء اللہ مکیاں مار کے ٹھڈ چوں بھی کڑھا دیں۔ خیر تین دن یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب دیکھا کہ یہ بگڑا ہوا نواب درست نہیں ہو رہا، آپ نے بیڑیاں بھی کھلوا دی، ہتھکڑیاں بھی کھلوا دی، چھوڑ دیا، معیار میں فرق نہیں آنے دیا، دربار سجا ہوا ہے، اصحاب منتظر ہیں، لیکن دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کے لیے دعوت دی ہے، لست علیہم بمسیطر، ڈنڈا سوٹا نہیں، وما علیک الا البلاغ المبین، حق بات، عقیدہ، ایمان اور اخلاق پوری محبتوں کے ساتھ پیش کر کے دلیل دے کے اپیل کیجئے، دل نہیں بدلتا تو چھوڑ دیجئے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیے۔ آپ بھی جہاں رہ رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، بڑے سارے لوگوں سے آپ کو تکلیف ہوگی کہ یار یہ بندے سمجھتے کیوں نہیں، ان کی نسل کیسی ہے، ان کی اصل کیسی ہے، یہ کیسے بدتینت ہیں، یہ کس طرح کے بدگماش ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، کتنے کند ذہن ہیں۔ گھبرائے نہیں، میں نے دیکھا ہے ہم سارے مل کے 100 ٹب پانی کا بھر کے ایک جگہ پھینکے نشان نہیں پڑے گا، لیکن مسلسل پانی کا قطرہ جو ٹونٹی سے لیک ہوتا ہے نا اور ٹپ ٹپ گرتا رہتا ہے، وہ ایسا نشان ڈالتا ہے کہ بعد میں برش سے رگڑنے سے بھی، تیزاب ڈالنے سے بھی وہ نشان ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھی وہ عمل پسند ہے جو بھلے تھوڑا ہو لیکن ہو ہمیشہ کے لیے لگاتار۔ احب الاعمال الی اللہ، کون سا ہے جو ادوم ہو، وہ ان کل، اگرچہ تھوڑا کیوں نہیں، کام کریں، لگاتار کریں، بدستور کریں، کہتے رہیے، سناتے رہیے، بولتے رہیے، جاتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، سمجھاتے رہیے، پڑھاتے رہیے، ممکن ہے کہ مرتے دم ہی صحیح ہو جائے، نا امید نہ ہوں۔ آج اصحاب رسول اور اہل بیت کے فضائل پہ آپ نے علماء کے تفصیلی خطاب سنا، اور بڑے جاندار، شاندار، مدلل اور بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ ایمانی کیفیتوں کو بیدار کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ماشاءاللہ نعرے سن رہا تھا جو مجھ سے پہلے گفتگو ہوئی۔ اسی طرح باقی معاملات بھی الحمدللہ چلے۔ میں اپنے محدود وقت میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، ایک آیت کا ٹکڑا لو، دنیا جو مرضی کہے، جو مرضی کہے، ایک کام کریں، ہماری برادری میں نا 5-7 گھروں نے مل کے کوشش کی کہ ایک میاں بیوی کو لڑایا جائے، میاں بیوی کو، ان پہ تعویذ بھی کیے گئے، دھاگے بھی کیے گئے، ان کے خلاف بڑے بڑے بول بولے گئے، چگلیاں کی گئیں، غیبتیں کی گئیں، مگر وہ کیا کرتے تھے، چپ کر کے جب بھی باہر نکلتے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے، موٹر سائیکل پہ بیٹھتے اور ان کے سامنے نکل جاتے۔ پتہ اس کا اثر کیا تھا کہ وہ سارے پریشان ہوتے کہ ہم اتنا بولتے ہیں، اتنی چگلیاں، اتنی جو ہے ایک دوسرے ان کی شکایتیں لگاتے ہیں، بڑی ہم جو ہے وہ تیل ڈال ڈال کے ماچسیں، تیلیاں، آگ لگاتے ہیں، ان پہ فرق ہی نہیں پڑتا۔ ساری دنیا جو مرضی کرتی رہے، آپ ایک کام کیا کریں، ایک ورد کیا کریں، جہاں بھی کوئی ملے نا محمد الرسول اللہ پڑھیے ذرا محبت سے، محمد ال، اچھا میں ابھی نعرے کا کہوں گا تو آپ شرمائیں گے نہیں، آپ میں بڑا جوش ہے، پتہ نہیں وہ آپ کو آتا ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں نا ذرا پڑھیے محمد ال، نہیں ابھی نہیں، سارے پڑھیں گے بے شک، ایستا پڑھ لیں، محمد ال والذین معہ، والذین، بس یہ جملے یاد کر لیں، جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے نا کہ وہ بلنگدہ ہوئے تھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پڑھو سڑ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہم کیا پڑھتے ہیں، جب وہ یہ بھائی یہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل کما صلیت علی ابراہیم
وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. جب کوئی اپنے پاس چیز ہے شو کر رہا ہو اور آپ کو پتہ ہے دو نمبر ہوگی, آپ اس کے مد مقابل جین ون نکالیں, ایک چائنا کی گھڑی نکال کے پہن رہا ہے, آپ اس کے مد مقابل آپ کے پاس مہنگی ترین اصلی جین ون جاپان کی گھڑی ہے نکال کے کلائی پہ لگائیں, اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ٹھوس ہو جائے گا. ہمیں کیا ضرورت ہے جلنے کی؟ جس کے پاس اصل ہے وہی ہے, رب کا قرآن ہے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جب بھی کوئی دو نمبری کرنے لگے غلط بیانی پہ اترے, مد مقابل آ کے الولاء والبراء اس کو دعوت بھی دے دیجیے, اور بالخصوص اصحاب اور آل کے حوالے سے محمد الرسول اللہ والذین معہ. اس آیت کے ٹکڑے کا تھوڑا مفہوم سمجھیے اور پہلے دل میں بٹھائیے پھر دنیا کو بتائیے, اور جس گلی میں نکڑ پہ مور پہ تھڑے پہ نیچے بیٹھیں کسی چارپائی پہ بیٹھیں تو دنیا کو بتائیں کہ یہاں اللہ نے بائی نیم ذکر کر کے محمد محمد یہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے کہا ہے کہ میرے رسول ہیں محمد الرسول اللہ, والذین معہ ان میں آپ کے اہل بیت بھی ہیں اصحاب بھی ہیں. اس ایک جملے میں اہل بیت بھی ہیں اصحاب بھی ہیں, اور اس کو اگر کسی نے محدود مانا ہے تو اس کو اس کی محدود عقل پہ محدود سا سلام, اور اگر کسی نے صحیح جانا ہے تو ہم اپنے بچوں کو کم از کم سکھائے دیتے ہیں یاد ہونا چاہیے پہلے نمبر پہ میرے محبوب دعوت دینے والے سربراہ ہیں, ہادی ہیں, راہبر ہیں, رسول ہیں علیہ السلام, اور ان کی دعوت پہ لبیک کہنے والے. انشاءاللہ ایک سے تذکرہ شروع ہوگا, سوا لاکھ تک جائے گا, لیکن تھوڑے وقت میں پریشان نہ ہوں. سب سے پہلے میرے محبوب کو رسول مان کے لبیک بولا تھا اہل بیت میں سے سیدہ خدیجہ نے, سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم درود ابراہیمی میں یہ جملے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل آل محمد, میں وہ سارے آل آئیں گے والذین معہ جو آپ کے ساتھ ہیں. لہذا یہ درود ان سے لے کے قیامت تلک کے آخری آپ کو ماننے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے پر یہ سلام بھی جائے گا, یہ درود بھی جائے گا, یہ برکتیں بھی جائیں گی, یہ رحمتوں کا نزول بھی ہوگا. کوئی جلتا ہے تو جلے, کوئی مانتا ہے تو مانے, نہیں مانتا تو نہ مانے, لیکن آپ کا عقیدہ پوری طرح مضبوط ہونا چاہیے. میرے محبوب کی آل میں پہلا فرد کون ہے؟ آپ خود سربراہ ہیں, دوسری ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, تیسرے نمبر پہ میرے محبوب کے ساتھ معیت میں والذین معہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اچھا ویسے حق تو بنتا ہے, دشمن جتنا جھوٹا ہوتا ہے نا اتنا زیادہ بولتا ہے, اور دلیل کو زیادہ اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے میں بلا نہیں رہا, خاموشی سے سنیں, بلے بلے واہ واہ کرنے کی ضرورت نہیں. دل میں دل کرے تو کہہ دیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل, جب یہ نام آ رہا ہو تو ان کا رائٹ بنتا ہے, حق ہے ہمارے اوپر, ذمہ داری ہے, فریضہ ہے کہ ہم یہ کہیں. سیدہ خدیجہ دوسری آپ کے ساتھ ہیں اہل بیت میں, گنتی دو ہے, سیدہ سودا کے ساتھ آپ کی تعداد تین ہے, اور سیدہ عائشہ کے ساتھ آپ اہل بیت کی تعداد چار ہے, اور پانچویں نمبر پہ ساتھ ملی ہیں سیدہ حفصہ بنت عمر, پھر سیدہ ام سلمہ, پھر سیدہ زینب بنت خزیمہ, سیدہ زینب بنت جہش, سیدہ جویریہ, سیدہ ام حبیبہ, سیدہ صفیہ, سیدہ میمونہ, سیدہ ریحانہ بنت زید, اور سیدہ ماریہ قبطیہ. یہ میرے محبوب کے ساتھ تیرہ ملے ہوئے, اور چودہ میں خود آپ سربراہ, ان سب کے اوپر محبوب شوہر ہیں, یہ بیویاں ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کوئی مانے یا نہ مانے تیری مرضی, ہمارے دل میں جگہ دیکھ, مقام دیکھ, مرتبہ دیکھ,
और ये मैं गिनवा क्यों रहा हूँ, इसलिए कि मेरे शहर में एक मेडिकल स्टोर वाला था, बाबा था निगेबानपुरे में, तो कहता था ये जितनी फार्मेसियाँ हैं कल दे मुंडे ने नवे बने ने इन्हों पता ही कौन नहीं, ये किड़े डॉक्टर ने, ये किड़े कंपाउंडर ने, इन्हों मेडिसन का इलम ही नहीं। मेरी अहलिया का ऑपरेशन था तो जो मेडिसन लिखी ना डॉक्टर ने, मैं लेके उनके पास चला गया। जब पहुंचा मैं कह जी दवाई कढ़ दो, तो किन्नी देर ना उन्होंने वेख के मैं कह जी वेखी रखना जाए या कोई दवाई, कहिंदे पुत इहदे चों मेरे कोल एक हैगी आ बाकी नहीं। मैं कह उदां तुसीं कहिंदे सी शहर च सब तों ज़्यादा मैं दवाई नूं समझना, दवाई मेरे कोल आ, कल दे बच्चे ओए तू सिर्फ चार पांच को लेके बैठ गया है और तू समझता है कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं, आ तुझको ये लोग दिखाऊं, ये ईमान वाले, ये अकीदे वाले, ये मोहब्बतों वाले, ये दिल वाले, ये दिल की धड़कनों वाले, ये नसीबों वाले, ईमानों वाले, ये अहले सुन्ना वल जमा, ये अहले हदीस को आकर के दे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के घर में जिसका भी इंतखाब हो गया, आसमान से रब ने चुन लिया, मेरे महबूब का घर दे दिया, उससे बढ़कर के इज्जत वाला कोई नहीं। हमने उनको इज्जत और एहतराम दी है, तादाद 14 है। आगे बढ़िए, मेरे रब ने मेरे महबूब को 4 बेटियों 3 बेटों से नवाजा है। अभी आप सुन रहे थे ना जैनब के नाना, तो इससे कहीं पहला दर्जा है जैनब के बाबा। नहीं समझ आई, मेरे महबूब की बेटी भी तो है ना, सिर्फ बतूल के बाबा तो नहीं है, जैनब के बाबा, जैनब बिन्त मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, उम्मे कुलसूम बिन्त मोहम्मद, रुकैया बिन्त मोहम्मद, फातिमा बिन्त मोहम्मद, 14 और 4 18 चार बेटियों को मिला के इन सब पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लदीन माहु, ये मैयत बढ़ती जा रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, नसब को, हसब को मानते हुए 3 बेटों को ले, जनाबे कासिम को, जनाबे अब्दुल्ला को और जनाबे इब्राहिम को। अगर तू रुक गया है तो तेरी मर्जी। ये 18 और 3 21 हैं मेरे महबूब की 4 बेटियों के 3 घर वाले और आका के 3 जो हैं वो दामाद, दामाद अव्वल जनाबे, पहले दामाद का नाम बड़े का, अपने वड्डे जवाइयां दा नाम आंदा होवे ते उन्हूं हर शादी ब्याह च इदां जिहड़ा सब तू ज्यादा आकड़ के फिरदा होवे ना, ते हर गल दे विच दंदना दा ये भी नहीं होना, ये भी एवें कर एवें कर, वो हमारे घर का बड़ा जवाई होता है। मुहम्मद रसूल सल्लम के बड़े दामाद पे क्या बना, जनाबे अबुल आस है, तादाद 22 है, दूसरे दामाद, दोरे दामाद जनाबे उस्मान है रदी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदा रुकैया उम्मे कुलसूम के शौहर, तादाद 23 है और 24वें रुकन अहले बैत के मेरे महबूब के दामाद थालिस जनाबे अली अल मुर्तजा हैं, तादाद 24 है। और फिर अगर इनको लेकर के मेरे महबूब के नवासों को लीजिए, अबुल आस के बेटे जनाबे मोहम्मद, जनाबे यहिया, जनाबे अली और बेटी सैयदा उमामा, इन 4 को ले, 24 और 4 28। फिर जनाबे उस्मान के बेटे अब्दुल्ला मेरे महबूब के नवासे, तादाद 29। और फिर जनाबे अली अल मुर्तजा सैयद फातिमा से मेरे महबूब के नवासे हसन, तादाद 30। जनाबे हुसैन, तादाद 31। और सैयद सैनब, तादाद 32। सैयदा रुकैया, नहीं सैयदा उम्मे कुलसूम, तादाद 33। अभी नाम और भी हैं, सेटअप चलेगा, लेकिन इन 33 को देखिए। फिर मेरे महबूब के साथ आइए, हिजरत करते हैं, बदर में जाते हैं तो 313 हैं। यही लोग वल्लदीन माहु ओहद में आते हैं, तादाद आपको इलम में 700 के लगभग। यही सुले हुदैबिया में जाते हैं, वल्लदीन माहु तादाद 1400 है। करते करते मेरे महबूब हज्जतुल विदा में है तो ये तादाद 1.25 लाख है। ये तादाद हमारा ईमान है, एक नजर अगर आंख काम करती थी
میرے محبوب کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اگر آنکھ نہیں تھی کام کرتی، ایک ملاقات حالت ایمان میں کی، پلٹتے ہوئے اسی پل موت آ گئی۔ یہ میرے محبوب کا صحابی ہے، اگر حالت ایمان میں آپ سے ملاقات کی، زندگی تلک آخری پل بھی اسلام پہ گزرا ہے، یہ میرے محبوب کا صحابی ہے۔ اور عقیدہ سنیے، ساری دنیا کے ائمہ مل جائیں، تابعین مل جائیں، تبا تابعین مل جائیں، فقہاء و محدثین مل جائیں، کائنات کے سارے ولی، سارے کتب، سارے ابدال مل جائیں، ایک صحابی جس نے محبوب کے ساتھ ایک پل بھی حالت ایمان میں گزارا ہے اور اس دنیا سے چلا گیا، یہ ساری دنیا مل کے ان کے قدموں کو لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کی عظمت یہ ہے، مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، عزت و آبرو یہ ہے۔ باقی رہ گیا کہ ہم ان کی عظمت کے قائل کیوں ہیں، وجہ بے شمار ہیں، موٹی موٹی چار پانچ وجہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ ان کا خلوص اتنا ہے کہ رب کو اچھا ہی اتنا لگا ہے، آپ اور میں ملے اٹھیں، ساری دنیا ملے، اوت پہاڑ کا 8.5 کلومیٹر کا وایا، اوپر جتنا پہاڑ پڑا ہے وہ بھی، جتنا نیچے زمین میں ہے وہ بھی اکٹھا کر کے کرید کے، اس کے مقابلے میں سونا دوسرے پلڑے میں تول کے پوری دنیا میں دے دیا جائے، پورے خلوص سے آج کے سارے فقہا مل جائیں، اساتذہ مل جائیں، مفسرین مل جائیں، شیوخ الحدیث مل جائیں، اور خطبا مل جائیں، سارے محبین مل جائیں، اتنا سونا دے دیں، اور میرے محبوب کا صحابی صرف یہ مد دو ہاتھ جو ہیں ایسے کہہ لیں یا مٹھی کہہ لیں، یوں چلو بھر صرف جو کو ہاتھ لگا دے، جو کو، جتنے جو کو ہاتھ لگ جائے وہ اٹھا کے کسی کی جھولی میں ڈال دے، تیرا میرا دیا ہوا احد پہاڑ کے برابر بانٹا ہوا سونا اس کی وہ ویلیو نہیں جو اللہ کے ہاں اس صحابی کے خلوص کی ویلیو ہے۔ اس لیے ان کی قدر کر، تو جتنا مرضی دے لے، جتنا مرضی بول لے، جتنا مرضی بانٹ لے، تو ممبر و محراب پہ چڑھ لے، تو آ کر کے ذاکر بن جا، تو شاہد بن جا، تو ساجد بن جا، تو جو مرضی بن جا، ان کے ایک مد، ایک مٹھ، ایک چلو دیے ہوئے رب کے رستے میں بانٹے ہوئے اللہ کے لیے جو، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اٹھ کے ان کو گرانا شروع کر دے، اور ایک مصلی اٹھ کے، کل کا ایک میراثی اٹھ کے، کوئی ڈوم اور بھانڈ اٹھ کے، کوئی جو ہے قوالیاں گانے والا، کوئی باتیں ادھر ادھر کی بنانے والا اٹھ کے زبان پہ گالیاں لے آئے، اس کے اپنی ہی موت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے اسے ان میں رکھا ہے کہ جن میں کل ان کے مد مقابل ابو جہل تھے، جس لسٹ میں ابو لہب تھا، جس لسٹ میں عتبہ، شیبہ اور ولید تھے، میرے نبی کے اور اصحاب کے بدترین دشمن جو بدر میں آئے، جو احد میں آئے، اگر کوئی اس لسٹ میں ہو کے کھڑا ہو کے خوش ہونا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، وگرنہ ہم چاہنے والوں میں ہیں، ساتھ رہنے والوں میں ہیں، اور ان کا نام بلند کرنے والوں میں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ کہنے والوں میں ہیں۔ یہی عزت ہے، یہی آبرو ہے، یہی عقیدہ ہے، اور یہی ایمان ہے، اور اللہ اسی سے نوازے، اسی میں کامیابی اور اسی میں کامرانی ہے۔ حضرات، معیار ہے ایک دوستی کا، والذین معہ، معیت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ اور کس چیز میں معیت ہے بھائیو؟ سب سے پہلے کہ ان لوگوں کی پوری دنیا سے دشمنی تھی، مگر انہوں نے کبھی کسی سے پناہ نہیں مانگی، پناہ مانگی ہے تو صرف اللہ سے۔ ان کی عظمت، جھکے ہیں تو اللہ کے سامنے، گرے ہیں تو اللہ کے سامنے، جھولی پھیلائی تو رب کے سامنے، مدد مانگی تو اللہ سے مانگی، بدر میں لے جا کر کے خود محبوب نے کہہ دیا، اللہ یہ مٹھی بھر میری دوا ہے، یہ میری تیاری ہے، یہ میری نرسری ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ توحید کے علم بردار ہیں، میں لے آیا ہوں، ان کو تیری مرضی تو بچا لے، تیری مرضی تو ان کو ختم کروا دے، لیکن دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ سمجھیے۔ جب بھی انہوں نے حفاظت کے لیے، آج تجھے مجھے چھوٹی سی ضرورت پڑتی ہے تو کبھی تعویذ، کبھی تحفظ کے لیے تعویذ، کبھی دھاگا، کبھی منکا،
कभी टूना, कभी जंतर, कभी मंतर, कभी कुछ कभी कुछ, मगर मेरे महबूब के असहाब की आदत थी कि जब भी पनाह में आए तो आऊदु बिल्ला हर सहाबी का कौल, अल्लाह शिमला भी तेरा, साया भी तेरा, हिफाजत भी तेरी, बचाना है तो तूने, मौत तेरे हाथ में है, देना है तो तूने, ये अकीदा बना के जाओ। इसी में अजमत है, ये तावीज, ये धागे, ये छल्ले, ये कड़े सिहाबा को मान के फिर लेना, फिर बांधना, गलों में लटकाना, ये किसी सिहाबी की आदत नहीं थी, उनका अकीदा था कि अल्लाह के पनाह में आना है। ये जो तावुज है, ये जो तावीज है, ये जो हिफाजत है, वो अल्लाह के साथ है। आऊज़ु बिल्लाह। अगला अकीदा अजमत इसमें है कि मिनश शैतान, आप कभी शैतान के करीब न जाएं। कुल्लु मा शैतान व अब अदा, हर वो ताकत, हर वो कुव्वत, हर वो चेहरा, हर वो दावत, हर वो मैसेज, हर वो दाई, हर वो मुबल्लिग जो आपको अल्लाह से दूर करे, हक से दूर करे, वही से दूर करे, सका बाप भी हो तो कुरान कहता है शैतान है। कुल्लु मा शैतान व अब अदा, वो भाई हो, वो बीवी हो, वो मेरा नस्ली यार हो, अगर अल्लाह और हक से दूर कर रहा है, आऊज़ु बिल्लाह, फौरन अल्लाह की पनाह में आइए, हक की तरफ लौटिए, तौहीद की तरफ लपकिए। जैसे चूजा कव्वे को देख के मां की तरफ भागता है, चूजा कव्वे को देख के मां की तरफ भागता है, एक मोमिन की शान, एक सिहाबी की शान, अजमत यह है, उनको मानने वालों का मुकाम यह है। अकीदा बनाओ, अल्लाह के साए में आओ, एहसास और इदराक पैदा करो, शैतान से दूर भागो। अर्रजीम, शैतान को गले नहीं लगाया किसी भी सिहाबी ने, किसी भी सिहाबी ने शैतान को गले नहीं लगाया। और आप और मैं उनकी अजमत को भी मानते हैं, मुकाम को भी मानते हैं, अकीदे को भी मानते हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीन माहू, उन्होंने महबूब का साथ दिया, आपके साथ रहे, आपके अकीदे के साथ रहे, शैतान को रजीम बनाया, फुटकारा भी, फिटकारा भी, रांदा दरगाह बनाया। आइए, अगर आप ये काम शुरू कर दें, अल्लाह की कसम, शैतान अपनी मौत खुद मर जाए। पूरी कौम जो तराना पढ़ती है, क्या पढ़ती है तराने के आखिर में, कौमी तराना क्या है, साया खुदाए जुल जलाल, अल्लाह के साए में आ, जुल जलाल के साए में आ, अल्लाह की हिफाजत में रहे, रब के पहरे हैं, वो बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, वो अरहमुर रहीमीन है, वो तेरा मालिक है, घबराना नहीं। और उसके बाद सिहाबा की अजमत यह है, जो मर्जी हो गया है, उनको चोट लगी तो नाम अल्लाह का, गिरे तो नाम अल्लाह का, घोड़े की पुश्त पे चढ़े तो नाम अल्लाह का, तलवार पकड़ी तो नाम अल्लाह का, तीर चलाया तो नाम अल्लाह का, लोगों नेजा फेंका तो नाम अल्लाह का, ढाल आगे की तो नाम अल्लाह का, वार पड़ा तो नाम अल्लाह का, वार सहा तो नाम अल्लाह का, घर में दाखिल हुए तो नाम अल्लाह का, बिस्मिल्लाह निकले तो बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह, नाम अल्लाह का। जैसे महबूब की जिंदगी में पल पल मईयतें अल्लाह की थी, ऐसे मेरे महबूब के सिहाबा की जिंदगियों के अंदर भी ये था, लेकिन तेरी मेरी जिंदगी शान तो मानती है, उनके काम को मान नहीं पाती, लिहाजा दुनिया समझती है कि शायद ये बस नाम की हद तक मानते हैं, उन वाले काम भी ले लें, अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत करें, हर जगह ठेका अल्लाह का, दुनिया की हर चीज को पालने संभालने का ठेका तेरे अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रट्टे लगा के पढ़ पढ़ के थक गया है, लेकिन तुझे ये समझ नहीं आई कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माहू, उन्होंने रब माना है तो सिर्फ एक अल्लाह को माना है, या हय्यू या कय्यूम बोला है, अल्लाह को बोला है, बिरहमति का अस्तगीथ बोला है, अल्लाह को बोला है। लेकिन तू सिहाबा को मान के अगर तौहीद नहीं मान रहा तो नजर सानी कर, असहाब की जिंदगी में अकीदे में तौहीद, असहाब की जिंदगियों में अजमत का दूसरा पहलू लोगों ये था कि मेरे महबूब ने उनकी तरबियत ही ऐसी की। हम माशाल्लाह एमफिल पीएचडी करते हैं, बीएस में तो बच्चों को असाइनमेंट्स देते हैं छोटे छोटे काम पे, ये थीसिस करो, ये असाइनमेंट करो, ये मकाला लिखो, ये बहस लिखो, फिर नंबर मिलेंगे, बेचारे बच्चे थक जाते हैं। तो महबूब ने तो जन्नतें देनी थी असहाब को,
और उनको सर्टिफिकेट दिए, लेकिन आप यही कह देते कि तुम 125,000 हो गए हो, 125,000 हम भी आ गुजरे हैं, आज उनकी कब्रों के नामों निशान नहीं मिलते। एक एक सिहाबी जाए, एक एक नबी की कब्र ढूंढे, कब्र ढूंढ के उस पर मट्टी डाले, मट्टी डाल के जरा ऊंची बनाए, और जो है वो मदीने मक्के के पत्थर उठाए, दरो दीवार बनाए, मिसार बनाए, और ऊपर जो है वो फट्टी लगा के उस पयंबर का नाम लिख दे। नाम मैं बताता जाता हूं, पूछ के रब से मैं देता जाता हूं। एक एक नबी की कब्र जो है वो ला करके सामने कर दी जाए, दुनिया तलक जो है वो इन बुजुर्गों की वो अजमत और मुकाम और मर्तबा और जो चीज छुप गई थी वो सामने आ जाएगी। अगर यही दीन था तो मेरे महबूब 125,000 असहाब से जब गवाही मांग रहे थे खुतबा हज्जतुल विदा में, तो ये पूछते कि क्या आपने इन अंबिया की कब्रों के ऊपर जो है जगहों के ऊपर जहां वो दफन हैं कब्रें बना ली हैं, कुब्बे बना लिए हैं, मजार बना लिए हैं, तुमने तैयार कर लिए हैं, मैं गवाही मांग लूं, काम मुकम्मल हो गया है? ऐसे नहीं हुआ। अला हल बल्लग, जो वही मुझे मिली है तुम तम पहुंची के नहीं, आपने कहा और जो तबलीग की बात की तो सहाबा पीछे हट गए। वल्लदीन माहू, बीच में आल भी है, असहाब भी हैं, आले रसूल और असहाबे रसूल में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई होगी। ऐसे नहीं हुआ, सब ने बयक जुबान हाथ खड़े करके कहा कि हाँ, जो जिम्मेदारी आप पे थी वो आपने पहुंचा दी, वो अकीदा हमें दे दिया, उसमें ये दरबारों मिजारों सरकारों के अकीदे नहीं थे, एक अल्लाह का दर और उस दर के ऊपर तेरा सर, हर सहाबी का सर, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर, वल्लदीन माहू का सर, आपकी आल का सर, आपके असहाब का सर, ये झुकता रहा। लोगों, अजमत असहाब को मनाना है तो जरूर मनाइए, लेकिन अपने दिलो जान में अकीदा तौहीद को जगह दीजिए। दूसरी चीज, मेरे महबूब के सारे सहाबा की आदत थी, सारी आल की आदत थी, आका जो कहते थे वो सुनते थे। आज किसी को हदीस सुना के देखें बिदकता है, कुरान की आयत सुना के देखें भड़कता है, वही का कुछ जुमला बता के देखें परेशान हो जाता है। असहाब की और अहले बैत की शान ये थी, जो वही लेके आ गई, जिब्रील अमीन ले आए, महबूब ने पढ़ दिया, उन्होंने सुन लिया, सुन के याद कर लिया, याद करके महफूज कर लिया, और दिलों में भी महफूज, सत्रों में भी महफूज लिख लिया, कातिबीन वही बन गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुना तो सुना दिया, आपने आगे खड़े होके पढ़ा तो सुन लिया, समेना। ये असहाब की मईयत की एक बहुत बड़ी खूबी और अजमत थी जो आज हमसे खत्म हो रही है। अल्लाह के लिए मेरे महबूब की अहादीस को सुना करो, कुरान को सुना करो, आदत बनाओ। ये आदत क्यों खत्म होती जा रही है? दुश्मन इसीलिए चढ़ता जा रहा है कि हमने कभी उनके वाकयात को, उनकी जिंदगी को, उनकी सीरत को, असहाब की जिंदगियों को ना पढ़ के देखा है ना सुन के देखा है। सुनाने वाले से भी हम बड़ी जल्दी बिदक जाते हैं और पढ़ते हुए भी बड़ी जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि असहाब वाली किताबें अब उनमें दिल नहीं लगता। एक रात के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक थोड़ा सा डैमेज किया हुआ है, या उसकी सर्विस आप तक पहुंची नहीं, पूरी दुनिया बेताब नजर आई, ट्रेंड बन गया, टॉप ट्रेंड पे, हाय व्हाट्सएप, हाय फेसबुक, तुझे पता नहीं कि तेरी जिंदगी में असहाब की जिंदगियां नहीं, तेरे घरों में वो किताबें नहीं, वो तहरीरें नहीं जो उन्होंने खून से लिखी थी, जो उन्होंने अपने पसीनों से नहीं, अपनी जिंदगियां वकफ करके लिखी थी, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ तलवारों के साए में लिखी थी, जो तीरों की बारिशों में लिखी थी, जो नेजों के बुछाड़ों में लिखी थी, उन्होंने आज डेरा गाजी खान तेरे देरे तलक अगर इस्लाम पहुंचाया है, तुझे मुफ्त में नहीं मिला, उनके पीछे ये कुर्बानियां थी, और कुर्बानियों में एक अजीम अजमत ये थी कि वो सुनते थे, सुनते थे तो आप तक बात पहुंचती थी। मैं कुर्बान जाऊं और दुआ करता हूं अल्लाह वली कामिल की कब्र को, मुहद्दस जलालपुरी और उनके शागिर्द दोनों की अल्लाह कब्रों को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमा, अल्लाह उन्हें उनकी कब्रों को ठंडा फरमा। शेख रफीक अतरी रहमतुल्लाही अलैह एक देहात में गुफ्तगू कर रहे हैं और कहते हैं कि बड़े सहाबा तो बड़े, वो सहाबा जो छोटे छोटे बच्चे भी थे ना, उन्होंने भी कभी महबूब की सुनी अनसुनी नहीं की, हम तो फिर इतने बड़े बड़े हो गए। एक छोटा सा बच्चा है, महबूब की मजलिस में बैठा है,
और दस्तरखान लगा हुआ है, खाना चुना हुआ है, असहाब की अजमत के उनके कान सुनने को तैयार रहते थे और रब ने बनाई कुछ ऐसे थे कि वो सुनते थे और कमाल सुनते थे। उस बच्चे ने खाना आते ही खाना शुरू कर दिया। आप लोगों ने खा लिया है ना माशाल्लाह, क्या भी खाना है देना है जी। पर मैं कहा करता हूँ कि हमारी मजलिसों में अल्लाह का करना ऐसा होता है, जब छः लोग टोली में बैठते हैं तो अब पता नहीं आप लोगों ने डाला कि नहीं डाला, हमारे इलाके में चिकन ज़रूर डालते हैं, मुर्गी शुर्गी इधर शायद छोले डालते हों या क्या है, मुर्गी है माशाल्लाह मुर्गी है जी, बस पता ही करना था जी। तो कुदरती बात है कि जहाँ जिस साइड पे हम बैठे होते हैं उधर बोटियाँ नहीं आती, बोटियाँ दूसरी साइड पे होती। अब बंदा बैठा सोचता रहता है करूँ तो क्या करूँ, फिर अल्लाह ने हमें इतनी समझ दी है। मैं एक दफ़ा गुजर रहा तो वहाँ जल्दी जल्दी उन्होंने टोलियाँ बनाई, पराते रखी, तो जब मैं गुजर रहा था तो वो जो आदमी जिसकी तरफ बोटियाँ कम थी वो दूसरे को कहता है, ए साजिद साहब ने, प्रोफेसर साहब ने, उन्हें मुंह तां चुकिया ने परात फड़ के घुमा के बोटियां अपने हल कर ली। मेरे महबूब के दस्तरखान पे ये बच्चा बैठा है, इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, खाना शुरू कर दिया बाएं हाथ से, मुंह में लुक में डालने शुरू कर दिए, बीच में खजूरें थी या पता नहीं क्या था, कभी इधर से कभी वहां से जो अच्छा लगता मुंह में डालता गया। आका ने उसे सिर्फ तीन बातें कहीं, सहाबी की अजमत को सुनिए, बड़े तो बड़े थे, सिर्फ एक बच्चे की अजमत को शेख रफीक अतरी रहमहुल्लाह ताला बयान करते हैं और कहते हैं, इस बच्चे ने जब ये किया मेरे महबूब ने उसे फरमाया, या गुलाम सम्मिल्ला, ये जिसका खाना है ना उसका नाम ले, जिस कंपनी की चीज है उसका नाम लेना तो बनता है ना, मोबाइल कौन सी कंपनी का है, शेख साहब किस शहर के हैं, फुलां इको साउंड आया है तो तारिक वालों का है, जनाब ये मूवी मेकर फुलां हैं, ये फुलां हैं, अच्छा खाना किसका है, अल्लाह का, तो नाम ले अल्लाह का। वकुल भी यमीन, रहमान वाले दाएं हाथ से खाते हैं, शैतान वाले बाएं से खाते होंगे। वकुल मिम्मा यलीक, जो तेरे करीब है वो खा, इधर से उधर से वहां वहां से, ये घुमा घुमा के नहीं। इस बच्चे ने फौरी अमल भी किया और इस बच्चे ने वो जुमले ऐसे सुने याद कर लिए कि जिंदगी भर नहीं भूला। जब तक ये बच्चा जवान हुआ बूढ़ा हुआ जिंदा रहा, ये बयान करता रहा कि मेरे महबूब ने, मेरे आका ने, मेरे मुर्शिद ने, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीन माहू, मैं उनकी मैयत में था, दस्तरखान पे था, आपने मुझे यूं समझाया था, ये तीन बातें की थी। लोगों कुतबे अहदीस में मुहद्दिसीन की मजबूरी बन गई, 14 सदियां बीत गई हैं, आज किसी भी इदारे में हदीस पढ़ाई जाएगी तो ये हदीस भी पढ़ी जाएगी। क्यों? कि वो सुनते थे, हमने सुनना छोड़ दिया। उसके बाद अताना, जो कहा जाता था वो मानते थे, हमने मानना छोड़ दिया, बस सहाबा का नाम रह गया है, दिन मना लेते हैं, मानना तरीक़ाकार खत्म है। उनकी जिंदगियां हमारे लिए ना उस्वा रही है, ना मिशल रा रही है, ना हमें वो तरीका मिला है। आयत बहुत बड़ी है, फइन आमनु बिमिथ्लि मा आमनतुम बिह, ये सुन के उठ के चले जाते हैं, ना आपकी जिंदगी में फर्क ना मेरी जिंदगी में फर्क। मेरे महबूब के असहाब जो सुनते थे हक को मानते थे, मानने का अंदाज देखिए। तौहीद की बात हम कर चुके हैं, एक भी जिंदगी में मुखालफत सामने नहीं आई कि किसी और दर पे जाके सहाबी ने सर रखा हो, और मेरे महबूब की सुन्नत जो सुनी वो मान ली। आपने इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला नो का ये अंदाज तो सुना हुआ है कि आ रहे थे मस्जिद में, एक पांव बाहर है एक अंदर है, आपने कहा इजलिस हूं तो वो वहीं बैठ गए, अंदर वाला पांव बाहर ने किया, बाहर वाला अंदर ने किया। ये तो एक बड़े बुलंद दर्जे की मिसाल है। और लोगों पता करो, मेरे महबूब ने अगर तकबीर तहरीमा में अल्लाह अकबर कहा है, सहाबी की अजमत यह है, पूरे 125,000 सहाबा में, हालांकि किसी की जुबान फारसी थी, कोई हबशे की बोली बोलता था, कोई किसी और मुल्क से, किसी और मुल्क से भी आए थे, कोई रोम से आया था, किसी ने यह नहीं कहा कि महबूब हम अल्लाह अच्छे बार कह लें, लहजे ही बदल लें, हालांकि लहजों की भी इजाजत थी। क्या बोला है अल्लाह अकबर, सबने वही नकल किया, किसी भी सहाबी ने
अपनी फिका दाखिल करके अल्लाह बुजुर्ग तर नहीं बोला। समझ जरा सहाबा के फहम को, मुकाम और मर्तबे को, कि जो महबूब कहते थे वैसे का और जहां नबीयू ना बोला वहीं नबी का लफज, और जहां रसूल बोला वहां रसूल का लफज लाया गया, जहां मोहम्मद रसूल सल्लम ने कोई लफज बयान किया उसे वैसे बयान किया गया। आपको पता नहीं है सना कैसे बयान हुई, लफज लफज बयान कर दी, फातिहा कैसे पढ़ी, लफज लफज बयान कर दिया, कहां मेरे महबूब ने आमीन कही है, करके दिखाया कि नहीं दिखाया। समय ना व अताना, किसी एक भी सहाबी ने नहीं कहा हुजूर उची आमीन नाल जेड़ी है ना मसीते ले जानी है। मैं आ जा रहा था तो गाजी घाट पे जरा ब्रेकें लग गई, तो ट्रक जब गुजर रहे थे तो पुल हिल रहा था थोड़ा थोड़ा, तो बंदे के दिल में तो आता है ना यार ये हिल रहा है कहीं टूट ही नहीं जाए। अब कच्चे पिलर जोड़े हुए हैं, खजूर के तने हैं, ऊपर शाखें डाली हुई हैं पत्तों की, और आमीन कह रहे हैं, और गूंज इतनी है कि उस कच्ची गारे वाली मस्जिद नबूवी में भी गूंज है। कोई कह सकता था ओ भाई ऐसा हाथ रखो कि आ जड़े ने थम ही ना डिग पैन, कहा जाता है ना हमें वो जनाब इसको ऐसा रखें, इतनी भी ऊंची क्या, मोहम्मद रसूल सल्लम के असहाब का मुकाम ये था जो महबूब ने करके दिखाया उन्होंने कर दिया। रुकू जाते हुए सहाबा ने महबूब को देखा हाथ उठाई, ये उनका मुकाम था माना है, अगर ना माना होता आज कुतबे अहदीस में तस्करा ना होता, जहां मेरे महबूब ने हाथ बांधे वहीं पे बांधे, जहां घुटनों पे रखे घुटनों पे रख के दिखाए, जहां सजदे में जमीन पे रखे जमीन पे रख के दिखाए, जहां दो सजदों के दरमियान मेरे महबूब ने रब्बिग फिरली दो मरतबा बोला है, जाओ कुतबे अहदीस उठा के देखो, तस्बीहात की अक्सर तीन दफा मरतबा तस्करा, लेकिन यहां दो दफा ही बोला। और जब तशहुद में बैठे मेरे पैगंबर ने पांच कैफियत तशहुद में बनाई, सहाबा ने वैसे ही पैरवी की, आपने तीन उंगलियां फोल्ड कर ली, सहाबा की उंगलियां फोल्ड हो गई, आपने अंगूठे का और दरमियान वाली उंगली का ये दायरा बनाया तो तब भी हो गया, अगर मेरे महबूब ने तीन को फोल्ड करके इसको खड़ा करके अंगूठे को यहां रख के 53 का इशारा बनाया तो सहाबा भी 53 का इशारा बना के यूं मुट्ठी के साथ बैठ गए, उंगली को झुकाया तो झुकी हुई उंगलियां हो गई सहाबा की, उंगली को हिलाया तो उंगलियां हिलने लग गई, मेरे महबूब ने उंगली को नसब किया तो उंगलियां नसब हो गई, काना युशीरु बिहा, मेरे पैगंबर ने इशारा किया तो असहाब इशारे कर गए। आका ने सलाम में पांच तरीके इस्तेमाल किए, जाओ कुतबे फिका में शायद मिले या ना मिले, लेकिन कुतबे अहदीस में पढ़ना मेरे महबूब के सहाबा ने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, और अकेला दाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पढ़ के तो देखिए, उन्होंने जो सुना था वो करके भी दिखा दिया, वो पढ़ के भी दिखा दिया, वो पढ़ा के भी दिखा दिया, महफूज करके भी दिखा दिया, अमानत को उम्मत तक भी पहुंचा दिया। नज़र अल्लाह उमरन समय मकालती फहफिजा फवाहा तुम अद्दाह कमा समय आहा, ये एजाज है सहाबा का, ये उनकी जिंदगी है, उनको इज्जत ऐसे नहीं मिल गई, उनकी वजह से लड़ जाना और छोटी छोटी बातें बना लेना, गैर ने तो गालियां दी ही दी थी, अपनों के अंदर जरा झांकिएगा अपने गिरेगवान में, और इसे बुरा महसूस मत कीजिएगा, हम सब एक हैं, जान भी फिदा दिल भी फिदा नजरें भी फिदा। जब मैं ये कह दूं कि सहाबी गैर फकी है, सहाबी के पीछे बचता क्या है, छोटा सा बच्चा तो समझ गया, रावी बन के रिवायत कर रहा है, मैं इसलिए रद्द कर दूं कि गैर फकी है, मैं इसलिए रद्द कर दूं कि उम्र छोटी है। लोगों ये मिसाल दे के सलाम कहना चाहता हूं, अल्लाह जजा दे इस नीली छत के नीचे हलुल हदीस को। ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे रिश्तेदार ननियाल में बरेलवी हैं, मेरे रिश्तेदार ददियाल में देवबंदी हैं। ये हलुल हदीस एक लंबी रिसर्च के बाद हमारा इंतखाब है, हमने इनसे बहसें भी की, मुबासे भी किए, मुनाजरे भी किए, लड़े भी, और इनके मरकजों में रह के बहुत कुछ, लेकिन हौसला है इनका, क्या बात है, जब सारी दुनिया रद्द कर रही थी, अहले बैत को मानने वाले भी
जनाबे हसन की रिवायत को छोड़ चुके और किसी ने कहा उम्र अभी 4 साल है, बात नहीं सुनी जाएगी। नीली छत के नीचे दुनिया भर को ढूंढने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये सिर्फ अहलुल हदीस थे जिन्होंने कहा हजरत हसन की उम्र भले 4 साल है लेकिन महबूब ने उन्हें किताबुत तौहीद इब्ने मंदा में ये बात सिखाई और समझाई कि मेरे बेटे जब तू किरात से फारिग हो जाए रुकू जाने से पहले तो तूने जो कुनूत करनी है ये कुनूत वितर में क्या कहना है, अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत। अच्छा मुमकिन है कि आप कहें कि मैं मुझे याद है मैं पढ़ता जा रहा हूं, मेरी जमात के बच्चे बच्चे को जवानों को बुजुर्गों को बूढ़ों को मर्दों औरतों को तकरीबन सबको ये दुआ आती है, मैं पढ़वा के देख लेता हूं ये किससे ली गई है, अहले बैत के मेरे महबूब के असहाब के जिसकी उम्र अभी 4 साल की थी। हमने ये नहीं देखा कि क्या है, बयान हुआ है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उसके ऊपर यकीन कामिल इत्मीनान कामिल हमने आंखें बंद करके कबूल किया। नहीं यकीन आता तो कौम को जरा एक दफा सुना दो, अल्लाहुम्मा हदिनी व आफिनी व तवल्लनी, ये इनको आखिर तक सारी याद है मेरे दोस्त, ये मोहब्बतों की दलील है, कभी आके देखा कर कभी सुना कर। और दूसरी तरफ मैंने कई उलमा से भी मिलके देखा, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम जी कनूत आउंदी जे जी अल्लाहुम्मा इन्ना मैं जी ये तो एक के ना जी इन्ना नस्तैन दूजे अली आउंदी जे अहले बैत अली वो केड़ी है, मैं क्या जी अल्लाहुम्मा हदिनी फी नहीं मैनू याद नहीं मैं नहीं पढ़ी। तो दोस्त नफरत ना कर मुहब्बत कर, अकीदा एक है कलमा एक है रब एक है रसूल एक है किबला एक है काबा एक है, कहना बड़ा आसान है लेकिन वो पैगाम वो दावत वो सुन्नत तौहीद व सुन्नत के ऊपर कायम रहने वाले सहाबा जिंदगियां वक्फ करके इसीलिए शहादतें पाई थी, इसीलिए जिंदा रहे थे, इसीलिए जिए थे, इसीलिए लिखा था, इसीलिए बोला था, इसीलिए याद करा था, इसीलिए तेरे पाकिस्तान में इस मुल्क के इस सूबों तलक पहुंच के उन्होंने इस हक को पहुंचाया था। और आखिरी गुजारिश ये है कि अगर वो शहीद है ना तो जरा कील से डरने वाले सुई से डरने वाले गोली से डरने वाले उठ के बातें करें तो अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान के हीरो, आपने मेजर अजीज भट्टी का नाम सुना हुआ है, उसे कभी किसी कौम के बंदे ने गाली दी हो मैंने तो नहीं सुना, किसी मसलक ने गाली दी हो, क्यों हमारा कौमी हीरो है। दीगर हीरोस निशाने हैदर लेने वाले लोगों, अगर ये कौम के हीरो हैं कौम के लिए उनकी जगह के लिए वतने अजीज के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए लड़े हैं जामे शहादत कबूल किया है और तू उनको हीरो मानता है एक लफ्ज भी बुरा बोलना गवारा नहीं करता, तो मेरे महबूब के जितने यारों ने जामे शहादत हक के लिए इस्लाम के लिए नोश किया है वो तेरे भी हीरो हैं वो मेरे भी हीरो हैं, उनको सलामे अकीदत बनता है, इज्जत आबरू देनी बनती है और पलकों को बिछाना बनता है, एहतरामो इकराम बनता है, उनके लिए अपनी नस्लों की तरबियत करना बनता है, तरबियत कर तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इलम से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। हम फिर से दावत देते हैं कि इन असहाब के मुकाम में फर्क नहीं आएगा, उनको जो मिलना था वो रब ने दे दिया, उनके बयान से मुस्बत और मनफी इजहार से तेरी मेरी शान में फर्क आ सकता है। तिल्क उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, तुमसे कभी भी जज बना के अल्लाह ने यह नहीं पूछना कि वो क्या करते थे, तुम ये बताओ वो बताओ, अगर उन्होंने कुछ गलत हुआ भी तो उनका इज्तिहाद था मेरे दोस्त, उनका इज्तिहाद था। और मुज्तहिदीन इज्तिहाद करें मुखलिसों के, गलती हो भी जाए तो अजर है। और अगर तू कहता है ना जनाब गलती है तो याद रख आम आदमी उम्मती की कैफियत क्या है, रुफियान उम्मती अल खता व निसियान व मस्तुकरहु अलैहि, जो काम नहीं करना था कर ले ये खता होती है, जो करना था भूल जाए ये निसियान है, जो भूल के या जानबूझ के भी नहीं करना चाहता था कुछ जबरदस्ती करवाए व मस्तुकरहु अलैहि, ये तो तेरे मेरे से भी हो जाए तो अल्लाह मुआफ कर देता है, वो तो फिर मेरे महबूब की मैयतों वाले और अल्लाह उनसे राजी और रजा के फैसले व रिदवानों में अल्लाही अकबर। लिहाजा हम दावत देते हैं कि कभी ठंडे दिल से सोच, कभी गिरेबान में झांक, कभी हकीकत को देख, कभी इनकी मोहब्बतों कुर्बतों को देख, कभी इनकी अजमतों और इनकी कुर्बानियों को देख।
शायद कि उनकी एक कुर्बानी तेरी पूरी जिंदगी पे भारी हो जाए, जिसको कोई नहीं जानता, जिसने नमाजें कभी पाबंदी से नहीं पढ़ी, रोजा नहीं कभी सही रख पाया और जकात नहीं दे पाया, वो उठ के उनके बारे में बोले जिन्होंने तंगी के जमाने में सारा कुछ लाके महबूब के कदमों में ढेर कर दिया था। तो ज्यादती है, जरा सोच, अपना मुस्तकबिल बना, अपनी कब्र बना, अपनी आखरत बना। हम तेरे दुश्मन नहीं खैरखा हैं, इसलिए कि तू भी इंसान है, आदम का बेटा हुआ की बेटी है, तू भी जहन्नम में जाए तो बुरा लगता है, जन्नत में जाए, और तू इस तरह से गलत बोले तो तकलीफ होती है। अलहुब्बु लिल्लाह वल बुग्दु फिल्लाह, आ कभी इनसे प्यार करके देख, फिर अपने से अपारा प्यार दे। और अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर भी हम तेरी हिदायत की दुआ तो करते ही रहेंगे कि अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह इनको मौत से पहले पहले शर्म दे दे, हया दे दे, ये जो बोल बोलते हैं, जल के मरे तो क्या मरा, पता चला है ना कि वो तौहीन रिसालत करने वाला जल के मरा है, ऐसा अंजाम देख के भी कोई ना डरे तो मर्जी है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तमाम अहबाब तशरीफ।